12 पीस का पैकिंग है तो ये 12 पीस ही लेना पड़ेगा। अगर अच्छा। कोई चीज़ 3 पीस की पैकिंग है तो 3 पीस ही मिलेगा आपको, ये जिससे 1 पीस की पैकिंग है। तो हम लोग इसका तो होलसेल मार्केट के ऊपर वीडियो मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ और अभी मैं रास्ते में हूँ, मार्केट इंटर कर चुकी हूँ ऑलरेडी मैं, और मुझे यहाँ से जाना है बंजारी माता मंदिर के पास, क्योंकि उसी के पास लगा हुआ है हमारा नोवेल्टी मार्केट जहाँ होलसेल में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और मंदिर के पास मैं पहुँच चुकी हूँ और मंदिर के लेफ्ट साइड जो गली आपको दिख रही है यहाँ पर सीधे, वहीं मुझे इंटर करना है और मेरे राइट साइड में पड़ेगा नोवेल्टी मार्केट। बस 2 सेकेंड लगेगा आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मंदिर का जो एरिया वो ख़त्म ही नहीं हुआ रहेगा और आपको साइड में जो नोवेल्टी मार्केट का बोर्ड दिख जाएगा। यहाँ से मैं जा रही हूँ, मेरे राइट में ही वो मार्केट पड़ेगा और आसपास यहाँ पे फूल फ्रूट्स और सब्जियों की दुकानें लगी हुई हैं। अगर आप ये भी परचेस करना चाहते हो तो यहाँ आके ये भी परचेस कर सकते हैं। नोवेल्टी मार्केट हमको दिख गया। टाइमिंग इसका आई थिंक 11 बजे से शाम 7 बजे तक है, संडे को ये ऑफ रहता है। और मार्केट में इंटर करते ही आपको दुकानें दिखने लगेंगी, जो बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे पार्टियां होती हैं, फिर जो भी पार्टीज़ होती हैं तो डेकोरेशन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो भी यहाँ होलसेल में मिलती है। दर्पण जो अलग अलग साइज़ में जो आईने आते हैं वो भी होलसेल में मिलते हैं। स्लीपर्स भी आपको होलसेल में यहाँ पर मिल जाएंगी और कॉस्मेटिक जो भी आती हैं वो, ज्वेलरीज, बिंदी, बैंगल्स, और अभी नवरात्रि आने वाला है तो पूजा की जो भी सामग्री हैं वो भी आपको होलसेल में यहाँ पर मिल जाएंगी। और लेडीज़ जो बैग्स वगैरह हैं, साथ ही साथ जो डेली यूज़ में हम थैली वगैरह यूज़ करते हैं वो भी, प्लास्टिक के कैरी बैग्स और कॉस्मेटिक, नेल पेंट, बैंगल्स, प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं वो सभी, बर्तन मांजने के लिए जो स्क्रब आता है वो, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको होलसेल में मिल जाएंगी। बट एक बात ये है कि अगर आप शॉपकीपर हैं या फिर आप शॉप खोलने के पर्पज़ से शॉपिंग करना चाहते हैं तभी ये शॉप वाले आपको सामान बेचेंगे। अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पे बल्क में या थोक में भी सामान लेना चाहते हैं तो पर्सनल यूज़ के लिए नहीं बेचेंगे, ये सिर्फ दुकानदारों को ही सामान बेचते हैं। तो मैं यहाँ आपको मार्केट का टूर इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। सारी चीज़ें आपको होलसेल में ही मिलेंगी। अगर आप शॉपकीपर हैं या फिर बिज़नेस पर्पज़ से ये चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ डेफिनेटली आ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। बच्चों के खिलौने से लेके कॉस्मेटिक, टेलरिंग के लिए जो भी आपको सामान चाहिए रहता है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी हम लास्ट में इस शॉप में आएंगे और यहाँ हम आपको सारी डिटेल्स वगैरह दिखाएंगे कि किस टाइप की ज्वेलरी और क्या क्या चीज़ें यहाँ मिलती हैं और किस प्राइस में मिलती हैं। तो भैया ने अपना नंबर भी दिया है तो वो नंबर भी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी ताकि आप उनसे कांटेक्ट कर सकें और डिटेल वगैरह और अच्छे से पूछ सकें। यहाँ पे एडी स्टोन की ज्वेलरी भी मिलेंगी, एंटीक ज्वेलरी भी मिलेंगी और डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और जो टेलरिंग के लिए थ्रेड वगैरह आते हैं, स्टोन वगैरह आते हैं, ये लटकन वगैरह आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको इस मार्केट में मिल जाएंगी। तो एक क्विक टूर इस शॉप का भी दे देती हूँ मैं कि क्या क्या यहाँ पे मिलेगा। तो कोविड-19 के सिचुएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट मास्क है, सैनिटाइज़र है, तो वो भी इस मार्केट में आपको मिल जाएगा, सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह। और बॉयस लोगों के जो बेल्ट आते हैं और जो वॉलेट आते हैं, साथ ही साथ जो ग्लासेस आते हैं, जो चश्मे वो लोग लगाते हैं, और गर्ल्स का जो चश्मा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जैसे आपने यहाँ पर देखा बच्चों के लिए जो भी खिलौने चाहिए रहते हैं वो भी यहाँ पर आपको होलसेल में मिल जाएगा। और स्पेशली बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे जो टेलरिंग के सामान के लिए जो धागे आते हैं, स्टोन्स वगैरह आते हैं, लटकन आते हैं, कहाँ मिलेंगी, तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। ज्वेलरीज़ के बहुत सारे शॉप्स हैं, आपको स्टोन, एडी, गोल्ड कलर की जो ज्वेलरीज आती हैं वो सारी ज्वेलरीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं मेटल की, लाख की जो चूड़ियाँ हैं, सभी टाइप की चूड़ियाँ यहाँ पे मिल जाएंगी। सैनिटाइज़र हो गया और जो भी जनरल स्टोर में भी सामान रहते हैं ना, जो फैंसी सामान रहते हैं वो भी यहाँ पे होलसेल में आपको मिलेगा।
तो रेन कोट बैग्स जो गिफ्ट आइटम होते हैं वो, छाते, स्कूल बैग और जो प्लास्टिक के जो चीज़ें होते हैं बच्चों के खिलौने, यहाँ पे बॉटल्स वगैरह, झाड़ू एंड मॉप वगैरह भी, जो पोछा करने के मॉप आते हैं वो, और टेलरिंग का जो सामान आता है, जितने भी हम लेस वगैरह लगाते हैं साड़ियों में, सूट में, दुपट्टे में, और थ्रेड वगैरह यूज़ करते हैं, वो सभी चीज़ें और फैंसी दुकान की चीज़ें तो है ही यार। और साथ ही साथ बैंगल्स और जो ज्वेलरी की ह्यूज वैरायटी आपको मिल जाएगी ना, तो वो आप आके देखेंगे तो भी और अच्छे समझ में आएगा। प्राइजेस वगैरह, डिटेल्स वगैरह सारे शॉपकीपर से आप पूछिएगा। एंड मैं फिर से बता देना चाहती हूँ, अगर आप दुकानदार हैं और अगर आप बिज़नेस पर्पस से सामान खरीदना चाहते हैं तो ही आप यहाँ आ सकते हैं। और आप मतलब आ तो सकते हैं बट शॉपिंग तभी कर सकते हैं अगर आप दुकानदार हैं तो, क्योंकि यहाँ भैया ने बताया अगर आप दुकानदार हैं तभी यहाँ से सामान खरीद सकते हैं। रिटेल में जो लोग खरीदते हैं अपनी यूज़ के लिए उनको ये सामान नहीं बेचेंगे, उससे वो जो शॉपकीपर्स हैं उनका नुकसान होगा। तो अगर आप बिज़नेस पर्पस से ही अगर सामान लेना चाहते हैं तभी आप यहाँ पर आइएगा। और यहाँ पर हम आ गए राधा कृष्ण बैंगल शॉप में, यहाँ भैया हमको सारे जो डिटेल्स वगैरह हैं वो बताएंगे कि क्या क्या प्राइस डिटेल्स हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ मिलेंगी, तो ये सारी चीज़ें वो भैया हमको बताने वाले हैं अभी। तो बहुत सारी चीज़ों का तो नहीं बट कुछ ही चीज़ों का मैं आपके साथ प्राइस डिटेल्स वगैरह शेयर करूंगी और वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आपको ये एस्टिमेशन हो जाएगा कि कितने प्राइस डिफरेंस रहते हैं होलसेल में और रिटेल में, जिससे कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको कितना फ़ायदा होगा। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रश था क्योंकि आने वाला जो टाइम है दिवाली और नवरात्रि का है, तो यही मार्केट का टाइम रहता है। और बहुत ज़्यादा रश होने के बाद भी भैया ने हमारा हेल्प किया, हमको थोड़ी बहुत जो डिटेल्स है वो सभी बताई, तो बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। एंड मैं राधे कृष्ण बैंगल नॉवल्टी मार्केट मनिहारी शॉप से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ सभी प्रकार के मनिहारी के सब सामान मिलते हैं, जैसे कि आप नेल पॉलिश ले लो, इयर रिंग्स ले लो, लिपस्टिक, कॉस्मेटिक के सभी प्रकार के और ज्वेलरी के सभी प्रकार के आइटम है हमारे पास। जैसे कि 3 रुपीज़ से लेके 3 रुपीज़ में चॉप्स चालू होते हैं हमारे पास, 150 रुपीज़ तक है हमारे पास। जैसे नॉमिनल कम रेंज के भी हम रखते हैं और अच्छी रेंज भी रखते हैं, मीडियम रेंज। और ऐसे ही आपके काज मंगलसूत्र हो गए, जैसे एंकलेट्स हो गए, बिंदी हो गई, ओवरऑल जैसे भी जितने भी आपको माने रिक्वायर होता है लेडीज़ को, माने ज्वेलरी आइटम वो हमारे पास उपलब्ध है। कॉस्मेटिक आइटम्स भी जैसे आईब्रो पेंसिल, नेल पॉलिश हो गया, लिपस्टिक हो गया, ऑल ओवर हम रखते हैं। मिनिमम रेट पे मैक्सिमम तक मैंने हमारे पास कॉस्मेटिक जो है वो 144-150 तक है। और ऐसे ही ज्वेलरी भी ऐसी है, मीडियम रेंज और अच्छी रेंज है हमारे। मैंने हेयर एक्सेसरीज भी रखते हैं, मैंने ओवरऑल रखते हैं। बैंगल्स भी रखते हैं हम लोग, जैसे बैंगल्स में जैसे मैंने एक मनिहारी दुकान में जैसे संपूर्ण जो जो चाहिए ना हमारे पास मिलेगा होलसेल रेट्स में। जो बाजार में जैसे 20 रुपये बिकता है कोई चीज़, तो हमारे पास वो 3-4 रुपये में मिलती है सब लोग, 5 रुपये 6 रुपये। और जैसे आपका कोई जैसे रिटेल में 50 रुपीज़ का इयर रिंग्स बेचते हैं, तो हमारे पास होलसेलिंग में वो 20-25 रुपीज़ में मिलता है। जैसे बैंगल है, जैसे ये है ब्रास की बैंगल्स है, हमारे पास 60-65-50-70-100 तक है, बाजार में वो 180-200 तक बिकती हैं। लेकिन तो इसमें से हम कितने पीस खरीदे तभी आप दोगे इसको? नॉर्मल जैसे 3 साइज आती हैं, 3 साइज देते हैं, 3 पीस इसमें, जैसे जो जैसे पैकिंग रहेगी ना वैसे मिलेगा। अच्छा, पूरा जैसे, हाँ जैसे ये पैकेट है 12 पीस का पैकिंग है, तो ये 12 पीस ही लेना पड़ेगा। अगर अच्छा। कोई चीज 3 पीस की पैकिंग है तो 3 पीस ही मिलेगा आपको। ये जैसे 1 पीस की पैकिंग है तो हम लोग इसका 3 साइजेस आते हैं, तो 3 पीस भी मिलेगा। जैसे ये 65 रुपीज का है, 3 पीस हो गया 190। मैंने उससे कोई अमाउंट से कोई मतलब नहीं है हमारा, मिनिमम जो चीज जैसे पैकिंग रहेगा वैसे मिलेगा। ज्यादातर पैकिंग क्या रहता है हमारे पास, 6 पीस 1 डजन ये पैकिंग रहेगा। और जो सिंगल पीस रहते हैं वो जैसे कॉस्टली हो जाते हैं, इयर रिंग्स है 70 रुपीज, 80 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, तो वो सिंगल में पैक आते हैं, तो वो सिंगल देते हैं। तो जैसे आपको भैया ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो
सेट में आता है वो सारे सेट आपको लेने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे इयररिंग्स के पूरे एक पत्ते में सेट है, तो वो पूरे पत्ते का सेट आपको ख़रीदना पड़ेगा। और प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मुझे लगा, क्योंकि एक पेयर अगर आप इस इयररिंग का लोकल मार्केट में ख़रीदोगे तो आपको 10-15-20-25-30 पड़ता है, बट वही चीज़ें आपको बहुत कम प्राइस में मिल रही हैं। तो अगर आप बिज़नेस पर्पस से यहाँ से चीज़ें खरीद रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। ये मतलब पूरा कि एक पैकेट? अच्छा, ये 36 पड़ेगा ना। जैसे इसको अगर कोई रिटेल में बेचता हो तो 10 रुपीज का एक पेयर। हाँ हाँ हाँ। इयररिंग्स के सेट का जो ये एक पत्ता, एक पत्ते में 12 पेयर रहते हैं, एक दर्जन पेयर रहते हैं, तो वो एक दर्जन पेयर आपको यहाँ पे 36 रुपीज़ में, 40 रुपीज़ में, 60 रुपीज़ में, 70 रुपीज़ में, अलग अलग प्राइस में मिल जाएंगे। वो पूरे पत्ते के हिसाब से देना पड़ेगा। सेट यहाँ पे 6 के सेट भी रहते हैं और 12 के सेट भी रहते हैं। तो जैसे थोड़ी देर पहले आपको भैया ने बताया था उसी हिसाब से है। तो ये सामने का जो पत्ता दिख रहा है जिसमें 12 पेयर हैं, तो वो आपको मतलब कोई 36, कोई 70, कोई 60 अलग अलग में पड़ेगा। और काफ़ी आपको प्राइस डिफरेंस दिख जाएगा कि हम जब बाहर रिटेल में खरीदते हैं, जैसे मैंने रिटेल में खरीदा तो यही ईयरिंग मैंने 20-30, 10-15 रुपीज़ का खरीदा। बट यहाँ पे प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप होलसेल में चीज़ें खरीद के रिटेल में बेच रहे हैं तो आपको कितना फ़ायदा होगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। सिंगल है, तो यहाँ पे भैया की शॉप का एड्रेस एंड नंबर डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। आप उनसे जो भी डिटेल्स जानना है वो डिटेल्स जान सकते हैं बिजनेस पर्पस से। और आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक